Hello students, in previous class we have discussed about the radius of nth orbit. In today's class we will discuss about the velocity of electron in nth orbit. पिछले क्लास में हम लोगों ने काफी सारी चीजें डिस्कस की थी जो हमें आज के क्लास में हेल्प करेगी. जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने सेंट्रिपिटल फोर्स डिस्कस किया था. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक नेट इनवर्ड फोर्स लगता है एंड दैट फोर्स वाज सेंट्रिपिटल फोर्स. द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट सेंट्रिपिटल फोर्स वाज एमवी स्क्वायर बाय आर. इलेक्ट्रॉन भी अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ अगर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो उसके ऊपर भी एक सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपिटल फोर्स विल बी इक्वल टू एम वी एन का स्क्वायर अपॉन आर एन. वी एन विल बी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एनथ ऑर्बिट एंड आर एन विल बी रेडियस ऑफ एनथ ऑर्बिट. आज की क्लास में हमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनथ ऑर्बिट कैलकुलेट. We have to calculate the value of this Vn. पिछले क्लास में हम लोगों ने यह भी डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व तो कर रहा है. नेट सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है? इट इज कुलंबिक फोर्स. कुलंबिक फोर्स बिटवीन द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एंड द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन. हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर ये एटम किसी ऐसे एलिमेंट का है जिसका एटॉमिक नंबर Z है तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल प्रोटॉन्स Z होंगे. एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E है तो Z प्रोटॉन का चार्ज प्लस ZE हो जाएगा. तो प्लस ZE इज द चार्ज ऑफ न्यूक्लियस एंड E इज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. उनके बीच में जो कुलंबिक फोर्स होगा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था दैट विल बी के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर एन का स्क्वायर. यहां आर एन क्या था बताओ? आर एन वॉज द रेडियस ऑफ द एनथ ऑर्बिट. फाइन. तो जब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि ये कुलंबिक फोर्स ही सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो वहां पर यह भी डिस्कस किया था कि कुलंबिक फोर्स का मैग्निट्यूड और सेंट्रिपिटल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा. मतलब कि mvn स्क्वायर अपॉन rn विल बी इक्वल टू kze स्क्वायर अपॉन rn का स्क्वायर. बाकी मैथमेटिक्स का काम है. rn और rn को आप कैंसिल कर दोगे तो यहाँ केवल एक rn बचेगा. अब इस rn को mvn स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हें मिलेगा mvn स्क्वायर इनटू rn इज इक्वल टू kze स्क्वायर. अब vn स्क्वायर को आप vn into vn तो लिख ही सकते हो. तो दैट विल बिकम mvn rn into vn एंड दैट विल बी इक्वल टू kze स्क्वायर. फाइन. पिछले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फोर्स थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन विल रिवॉल्व ओनली इन दोज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट इन विच The angular momentum of electron is integral multiple of h upon 2 pi. वहां पे हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था from classical theories of physics कि angular momentum of electron in nth orbit is mvn rn. और हम लोग finally इस conclusion पे पहुंचे थे कि mvn rn is equal to nh upon 2 pi. Fine? Okay. इसको मैं equation 2 बना लेता हूँ. ये हमारा equation 1 है. तो mvn rn is equal to nh upon 2 pi ये हमें फोर्स थ्योरी से मिलता है. और अभी हमें कुलंबिक फोर्स और सेंट्रिपिटल फोर्स को इक्वेट करके जो इक्वेशन मिला वो है mvn rn into vn is equal to kze square. mvn rn की वैल्यू nh upon 2 pi आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो तो क्या हो जाएगा बताओ? इट विल बी nh upon 2 pi into Vn and that will be equal to kze square. यहां से Vn की वैल्यू कैलकुलेट कर लो बहुत आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा. 2 pi से ये मल्टीप्लाई होगा और nh से डिवाइड तो this will be 2 pi kze square upon nh. तो Vn will be equal to z upon n into 2 pi k square upon h. ये z upon n को मैंने बाहर कर दिया
क्योंकि ये जेड और एन ही वेरी कर रहा है। अगर एटम वेरी करेगा तो जेड वेरी करेगा, अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूंगा तो जेड वन होगा, एच की प्लस की बात करूंगा तो जेड टू होगा, एल आई टू प्लस की बात करूंगा तो जेड थ्री होगा, बी थ्री प्लस की बात करूंगा तो जेड फोर होगा। तो एटम वेरी करेगा तो जेड वेरी करेगा, लेकिन अगर एटम सेम है सपोज और ऑर्बिट वेरी कर रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन वन, सेकेंड ऑर्बिट है तो एन टू, थर्ड ऑर्बिट है तो एन थ्री, कई सारे क्वेश्चंस हमें ऐसे मिलेंगे जहां पे z भी वेरी कर रहा है और n भी वेरी कर रहा है। तो ओवरऑल हम ये कंक्लूड करेंगे कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। और ये वैल्यू याद रखना, हमें कई बार न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली इसका यूज करने को मिल जाता है। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज 2.182 into 10 raised to the power 6 into z upon n meter per second. Fine. अब थोड़े से इसके applications पे चलते हैं। Suppose hydrogen के first orbit में electron की velocity x meter per second है। अगर hydrogen का first orbit है, hydrogen है तो z कितना 1 और first orbit है तो n कितना 1। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी सपोज मैं कंसिडर कर रहा हूं कि x है, तो सेकेंड ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, z तो चेंज नहीं हो रहा, हाइड्रोजन के ही सेकेंड ऑर्बिट की बात कर रहा हूं, तो ये डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट में अगर स्पीड x है तो सेकेंड ऑर्बिट में इट विल बी x बाय 2, थर्ड ऑर्बिट में इट विल बी x बाय 3, फोर्थ ऑर्बिट में इट विल बी x बाय 4। ओके, n को वेरी मत कराओ, अब z को वेरी कराओ, n को कांस्टेंट रखो। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड x मीटर पर सेकंड है तो he प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, z को वेरी करा रहे हो, he प्लस के लिए z क्या है 2 है, n की वैल्यू सेम है, दैट इज हाउ मच 1, राइट, तो इट विल बी व्हाट 2x। अगर li2 प्लस का केस हो गया तो z कितना होगा 3, n की वैल्यू सेम है फर्स्ट ऑर्बिट। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड x मीटर पर सेकंड है तो li2+ में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड 3x मीटर पर सेकंड हो जाएगी। be3+ के केस में फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की स्पीड 4x मीटर पर सेकंड हो जाएगी। मींस कि एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, n की वैल्यू कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और अगर एटम कांस्टेंट है और n की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, मींस कि इलेक्ट्रॉन इज अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कहां पे मिलेगी, फर्स्ट ऑर्बिट में, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, वेलोसिटी इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग। फाइन, ओके, अब हम लोग कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वेलोसिटी का इक्वेशन क्या है, Pn is equal to 2.182 into 10 raised to the power 6 into z by n meter per second. Fine. मैंने पहले भी बताया था कि जब कभी भी हमें ग्राफ प्लॉट करना हो तो आप x एक्सिस के वेरिएबल और y एक्सिस के वेरिएबल के बीच में एक रिलेशन एस्टेब्लिश करो और वो रिलेशन तुम्हें बताएगा कि ग्राफ का नेचर क्या होगा। एक्चुअली उस रिलेशन से हमें एक इक्वेशन मिलेगा, जैसे y is equal to mx plus c मिला तो ग्राफ का नीचे स्ट्रेट लाइन होगा, y is equal to mx मिला, y इंटरसेप्ट c जीरो कर दिया तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन तो होगा लेकिन वो ओरिजिन से पास करेगा। xy is equal to constant मिल गया, x एक्सिस का वेरिएबल और y एक्सिस के वेरिएबल का प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट है तो ग्राफ का नेचर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा। ये सब हम लोगों ने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया था। चलो एक बार फिर वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमें vn वर्सेस z का ग्राफ प्लॉट करने को मिला, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट वर्सेस एटॉमिक नंबर का ग्राफ प्लॉट करने को मिला और n को कांस्टेंट रखा गया, राइट, आप रिलेशन एस्टैब्लिश करो, vn को आपने कहां प्लॉट किया, y एक्सिस पे, तो ये vn क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, z को कहां प्लॉट किया, x एक्सिस पे, तो ये z क्या हो गया, x हो गया, तो ये vn y और ये z x, बीच में क्या बच गया, c 2.182 into 10 raised to the power 6 upon n आ गया, right ना, that is going to be constant, क्योंकि n को भी आपने constant ही रखा है, तो आपका relation क्या हुआ, y is equal to kx मिला,
और अगर y is equal to kx है, इसको स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y is equal to mx plus c के साथ आप कंपेयर करो तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे y इंटरसेप्ट c जीरो है। जब y इंटरसेप्ट c जीरो है तो डेफिनेटली ग्राफ विल बी पासिंग थ्रू ओरिजिन। ग्राफ का नेचर स्ट्रेट लाइन होगा बट इट विल पास थ्रू ओरिजिन। फाइन, अगर हमें vn वर्सेस 1 by n का ग्राफ प्लॉट करने को मिले तो x एक्सिस पे आपने क्या प्लॉट किया 1 by n, तो 1 by n is going to be your x। y एक्सिस पे क्या प्लॉट किया है vn, तो vn is your y। तो vn y और 1 by n यहां पर हमें क्या मिल रहा है x मिल रहा है। तो 2.182 into 10 raised to the power 6 into z is going to be constant, क्योंकि यहां पे z कांस्टेंट ही है। तो फिर से हमें क्या मिलेगा y is equal to tell me kx, क्योंकि 1 by n हमने x एक्सिस पे प्लॉट किया तो यहां पे 1 by n x के बराबर है। तो दिस विल बी व्हाट vn is equal to k into 1 by n। vn क्या है y है और 1 by n क्या है x है, तो y is equal to kx वाला फिर से स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन y is equal to mx plus c के साथ कंपेयर करो तो y इंटरसेप्ट c जीरो है। तो दिस ग्राफ विल अगेन पास थ्रू ओरिजिन। अगर हमें vn वर्सेस n का ग्राफ प्लॉट करने को दिया जाए, vn वर्सेस n का ग्राफ, तो यहां पर n हमने कहां पे प्लॉट किया है x एक्सिस पे प्लॉट किया है, तो n इज गोइंग टू बी योर x। तो 1 by n will become 1 by x, 1 by n will become 1 by x and this will be what vn is your y। So this is y is equal to k, 1 by n is going to be 1 by x, so y is going to be k upon x। So yahan par kya hoga y is equal to k upon x hai, so xy is going to be constant, xy constant ho gaya। तो x एक्सिस का वेरिएबल और y एक्सिस का वेरिएबल का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो शेप ऑफ द ग्राफ विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मतलब ग्राफ इधर भी इंफिनिटी को जाएगा और x एक्सिस पे भी इंफिनिटी को जाएगा। अंडरस्टूड? फाइन, इसके बाद अब हमें डिस्कस करना है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। फाइन, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करता हूं।